हेलो दोस्तों दोस्तों, साबुदाना का नाश्ता बनाया है। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि जब व्रत हो तभी साबुदाना खाया जाए। आप कभी भी साबुदाना का नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। मेरी वीडियो मंजूस फूड मैजिक को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं, साबुदाना का नाश्ता कैसे बनता है। साबुदाना का नाश्ता बनाने के लिए 1 कप साबुदाना लिए हैं। साबुदाना को पहले सूखा ही रोस्ट कर लेंगे। देखिए हल्का सा रोस्ट करना है। साबुदाना रोस्ट हो गया है, अब इसे बाउल में निकाल लेंगे। साबुदाना को अब धो लेंगे। देखिए छोटे साइज का साबुदाना लिए हैं, आप चाहे तो बड़ा साइज का भी ले सकते हैं। साबुदाना को धो लिए हैं। 500 ग्राम दही लिए हैं। दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही फेंट लिए हैं। दही में अब 1 कप पानी डालेंगे। दही में आधा चम्मच काला नमक डालेंगे, आधा चम्मच सादा नमक। काला नमक डाले हैं इसलिए सादा नमक कम ही डालेंगे। अब साबुदाना जो धोकर रखे हैं इसे दही में मिला देंगे। ये दही में साबुदाना डाल दिए हैं, अब इसे 1 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। ये छोटा साइज वाला साबुदाना है इसलिए 1 घंटा में अच्छी तरह से फूल जाएगा। अगर बड़ा साइज का साबुदाना है तो उसे 3 से 4 घंटा लगेगा फूलने में। 1 घंटा हो गया है, अब साबुदाना को चेक कर लेते हैं। साबुदाना फूल गया है। गैस पर तड़का पैन रख दिए हैं, इसमें तेल भी डाल दिए हैं। इसमें आधा चम्मच चना दाल डालेंगे, आधा चम्मच उड़द दाल, मूंगफली 2 चम्मच। थोड़ी देर तक इसे हिलाएंगे तो हमारा मूंगफली और दाल नहीं जलेगी। मूंगफली भून गया है, गैस को फ्लेम ऑफ कर देंगे। आधा चम्मच सरसों, 2 लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हींग, करी पत्ता। तड़का तैयार हो गया। दही वाले साबुदाने में तड़का लगा देंगे। देखिए दही में अच्छी तरह से मिला देंगे। किचन में बिना पसीना बहाए घंटों किसी मेहनत के कुछ टेस्टी और हेल्दी खाना चाहते हैं, साबुदाना दही तड़का की ये रेसिपी आप जरूर बनाएं।